जैद साहब, जी बावन साल, आप 52 साल का आदमी बोलिए। तो कोई 6 साल से शादी नहीं करता है ना। हाँ देखो अरे एक मैं मिनट, चाह रहा था ये सवाल का जवाब मैं लूं। थैंक यू, आपने सवाल पूछा। तो मुझे जी आप अरुण भाई ये बताओ कि कल आपने क्या मेरा जवाब जितना मैंने कल जवाब दिया उतना सुन लिया या आगे का सर, बाकी मैंने है पूरा वो? सुना, मैंने पूरा सुना। हाँ बिल्कुल बकवास, बिल्कुल बकवास। ओके क्योंकि मुझे तो ये लगा कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा समझदारी की बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, चलो आप ये बोलो कि पुराने जमाने में हो गया तो हो गया, लेकिन आज भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में, अभी पाकिस्तान में एक बंदे ने 6 साल की बंदी से शादी किया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो आप ये नहीं कि क्यों बोलते हैं कि रिफॉर्म होना जरूरी है, दैट इज माई नंबर वन। अरुण भाई काम ओके करेंगे। देखो क्या है, आपने दो सवाल अलग अलग ऑलरेडी पूछे हैं। तो शेख मुफ्ती साहब ऐसा करेंगे कि अंकित साहब से कभी और बात करेंगे, अरुण भाई से अभी जो हमने सवाल सर, पूछा है ना तो हम बात कर बहुत लेते टाइम हैं। से अरुण भाई बैठा हूँ देखिए सर क्या है ना, मैं। आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी एक भाई से अच्छी तरह से बात हो जाए, यानी कि सिर्फ टच करूँ तो कोई फायदा नहीं होगा ना। अरुण भाई मैं आपसे बिल्कुल, सवाल पूछ रहा हूँ मैं और सर, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखो आप ये एक ही बात भाई से सुनो। बात हो सकती है, किसी एक भाई से हाँ प्लीज। बिल्कुल, आप और अनम्यूट हो जाओ, आप उसके अनम्यूट बाद हो जो जाओ, के बोलो बात करें। जितने भाई हैं, तो हम सेम शरण भाई को हमने बैठा रखा है हाँ अपने आप लोग भाइयों हैं के लिए। मौजूद, हाँ, आप लोग डिस्कस करिए। तो जी मसला बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेट भाई मेरा फॉरवर्ड मैसेज जायद भाई को है। अरुण नहीं भाई आपसे प्लीज, बात ये करें, माजरत जरा चाहेंगे देखिए आपसे। सुनना है, जरा अनम्यूट ऑप्शन उनके पास है ना अवेलेबल। ठीक है सर, जी आरव भाई आप बात कर लो यार। मैं ना इसके बाद सैम चरण वगैरह भाई से कर लूंगा। आरव भाई प्रो यार। थैंक यू जी सो मच अंकित भाई, ठीक है, सो सॉरी। जी बहुत बहुत अरुण भाई सॉरी। देखिए हम क्या देखते हैं कि आज के जमाने में, अरुण भाई आप अनम्यूट रहते तो और अच्छी कन्वर्सेशन होती। हाँ हाँ जी आज के सर, जमाने म्यूट में, हूँ। हाँ वेरी गुड, आज के जमाने में ये जो एज गैप है ना इसको बुरा समझा जा रहा है, कल्चरली बुरा समझा जा रहा है। तो इस्लाम के अंदर कोई कंपलसरी नहीं है कि छोटी बच्ची की बड़े से करो। कंपलसरी है क्या, आपको ये बात समझ में आई? बताइए कंपलसरी है क्या छोटी बच्ची की बड़े आदमी से करो? नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है चलो वेरी गुड, आई बिल्कुल लाइक नहीं। है जो हम लोग कन्वर्सेशन अच्छी होती है। ठीक है तो इस्लाम के अंदर कंपलसरी नहीं है, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी, हम एज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर है प्यूबर्टी प्लस फिजिकल केपेबिलिटी प्लस साइकोलॉजिकल केपेबिलिटी, तब वो फिट फॉर मैरिज है विद कंसेंट एंड विद फादर्स कंसेंट, यानी ये सब चीजें होगी तब। तो वो फॉर्मूला में मान लो कोई लड़की 13 साल 14 साल में क्वालिफाई हो रही है, 15 में क्वालिफाई हो रही है, तो इस्लाम के हिसाब से शादी हो सकती है अगर वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, आज तो हो सकती है। अब मुझे बताओ कि वो अगर वो कंडीशंस फुलफिल करी तो वो चाइल्ड है या अडल्ट है? और भाई चाइल्ड है क्या, बच्ची बोलेंगे आप या अडल्ट बोलेंगे? जो प्यूबर्टी पहुंच गई, फिजिकली केपेबल है, साइकोलॉजिकली केपेबल है, कंसेंट दे रही है, उसको आप चाइल्ड बोलेंगे क्या अडल्ट नहीं बोलेंगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताइए, फिजिकली नहीं केपेबल, ये दो में फिजिकली से एक केपेबल का आपका बताओ। क्या डेफिनेशन है? फिजिकली फिजिकल केपेबल, केपेबिलिटी का मैंने कल बताया था, अनतुतिकल जिमा, यानी कि उसको इंटरकॉस में कोई तकलीफ ना हो, यानी फिजिकली इतनी केपेबल हो कि उसको तकलीफ ना हो। हाँ जो जैसे फॉर एग्जांपल के पेल्विक एरिया की बात हो रही है कि, तो उतना जैसे अडल्ट वुमेन का जितना जितना अडल्ट साइज पे आ चुकी है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी उसके अंदर। तो आप बताओ इन दैट सिचुएशन उसको आप चाइल्ड कहेंगे अडल्ट कहेंगे? सर जी एक बात बताओ, जैद साहब एक बात बताओ। आप नौ ये साल सवाल की का जवाब दोगे? सर जी सर जी सर जी जी सर जी 9 साल की बताइए। लड़की, आपको लगता है कि उसका पेल्विक एरिया जो है सो डेवलप्ड होगा? मुझे तो ये बहुत ही, सर सर मैं तो ये समझता हूँ कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि आप लोग जैसे पढ़े लिखे इंसान एक बुक को फॉलो करने के लिए इतने जस्टिफिकेशंस, नहीं आपको इतने मैं बता रहा हूँ जस्टिफिकेशंस। वो बुक की बात, एक मिनट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चलो मैं अभी बताता हूँ, जस्ट रुको बेटा, ये स्क्रीन मेरी स्लाइड आ रही है, जस्ट और अरब भाई मैं तब तक देखो एक बात ऐड कर लूं हाँ ये देखो ये कि अरब अरब भाई भाई ने, ने बोला, बोलिए अरब बोलिए नाम है सर। क्या, अरब नाम है। देखो हाँ ये अरब जो अमेरिका के स्टेट्स 140 साल पहले 10 साल की उम्र में एज ऑफ कंसेंट जब अक्सर स्टेट्स रखते थे, जब रशिया में 10 साल की एज ऑफ कंसेंट थी, हाँ और हमारे इंडिया में तो थी ऑफ कोर्स, आप इंडिया का तो जानते ही हैं, 1860 में 10 साल थी। तो मुझे बताइए तब वो सब जो थी, जो जो सब लड़कियां थी वो, उसके अंदर क्या था मामला उनका, क्या वो सबके सब मर जाती थी, सर क्या वही, वो सर सबके सब? जैद साहब मैं वही बता रहा हूँ आपको, हाँ मरे ना मरे कोई बात नहीं है। 10 साल की लड़की आज से हजारों साल पहले शादी हो, 2 साल की शादी हो, दैट इज ओके। हाँ बट आप जिसको रोल मॉडल मानते हो, मैं रोल मॉडल, देखो आप टॉपिक चेंज वो कर रहे हो, बावन एक मिनट साल में रुको, छह वन साल स्टॉप। की बच्ची रोल शादी मॉडल कर मैंने कल लेते एक्सप्लेन किया ना, रोल मॉडल हमारे लिए जो चीज है वो, रोल मॉडल जो है जैसे वो घोड़े पे बैठे तलवार लिए तो वो भी रोल मॉडल हुआ कि आज आज अगर कोई जंग के लिए जाएगा तो मैं बोले मैं घोड़े पे बैठूंगा तलवार लूंगा, वो रोल मॉडल हुआ। तो हम देखते हैं जो उनके जमाने के अंदर जो हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी,
जो उनके जमाने में बच्चों में मैच्योरिटी थी, वो जमाने के छोटे बच्चे जंग के लिए जाया करते थे, यहाँ के छोटे बच्चों को घर में अकेला हाँ मतलब छोटे बच्चे नहीं हुआ करते थे, वो अडल्ट में काउंट होते थे। हमारी भी मेंटल साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि हम उनको बच्चा समझते हैं आजकल। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, लेट्स नॉट बी अ स्लेव, इस चीज का गुलाम हम ना बने। तो आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आपने देखा था मैंने कल बताया था। नहीं जैद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जैद साहब मैं आपको, अच्छा आप मुझे बताओ, मेरे बहुत क्लोज, क्या मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, यमनीज है बंदा, मुस्लिम है, पक्का मुस्लिम है। जब मैंने उसको सेम सवाल किया, ठीक है, हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी वो कनाडा में रहता है, मैं कहीं और रहता हूँ, वो बंदा जवाब ही नहीं दे पाया। बोलता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो 9 साल की थी नहीं ऐसा जब सेक्स हुआ था। वो उसका व्यू है, मुझसे मेरा व्यू बात करिए। मैं सर नहीं, उसको शर्म आई, उसने अपने मौलाना से बात की, बता रहा था, कोई शर्म नहीं। बल्कि मैं चाहता हूँ वो लोग शर्मिंदा हो जो आज ये फॉर्मूला जो इस्लाम का है ना, मैं 9 ईयर्स को डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ, मैं फॉर्मूला जो इस्लाम ने बताया, जो फॉर्मूला के हिसाब से 9 ईयर्स पास थी वो 1400 साल पहले, आज हो सकता है कहीं पे 9 ईयर्स में भी पास हो जाए। अच्छा जैद साहब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैद साहब देखें, आप जो चीजें कर रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंटिज्म फैलेसी। नहीं नहीं जैद साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपके सवाल का जवाब बता रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जब 10 से 14 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, जब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज उनका मिल रहा है, जब उनमें एसटीडी मिल रहा है, और एवरेज सेक्सुअल एज वहां पे फर्स्ट इंटरकोर्स की एज 12 साल है और कई लड़कियों की 8 और 9 साल है, तो मुझे बताओ वो लोग अडल्ट है कि बच्चे हैं, सेक्सुअल रिलेशंस कर रहे हैं, लेकिन एक धर्म जिसके पीछे आप आंख मूंद के पड़े हुए हो, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो अमेरिका से। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ बात, जो मैं आपका देखिए, अगर हम टॉपिक टू टॉपिक जंप करेंगे ना तो कोई भी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन नहीं होगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। यहाँ क्या बात अर भाई, कि यहाँ पे ये जो लोग है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये अडल्ट है जो अपनी चॉइस से जाके सेक्सुअल रिलेशंस कर रहे हैं, प्रेगनेंसी हो रही है, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रही हैं, एज ऑफ कंसेंट हम देखते हैं कि अमेरिका में 10 साल हुआ करती थी, और हम आज बैठे हैं ना 2022 में, हम समझते हैं आपकी दादी नानी की एज देख लो मैरिज के टाइम पे, हम समझते हैं इंसानी तारीख में पिछले सब लोग गुजरे ना सब बेवकूफ थे और हम ही एक समझदार लोग बैठे हैं। अच्छा सर, इस पे मैं काउंटर आपको करना चाहूंगा, सर इस पे मैं आपको एक काउंटर मैं आपको करना चाहूंगा बाद में लेंगे, पहले एज डिफरेंस की बात कर लेते हैं। मैं अभी बता रहा हूं, मैं सर अभी बता रहा हूं, सर मुझे भी बोलने दो, मेरा मेन टॉपिक मैं फोकस कर रहा हूं एज डिफरेंस में। मैं आपसे क्या कह रहा हूं अर्ब भाई, कि ये अडल्ट थी, वो 9 ईयर्स में वो अडल्ट थी, और वो जो अमेरिका में 9 ईयर्स में सेक्सुअल रिलेशन कर रही है वो भी अडल्ट ही है, और जो जहां पे हम देखते हैं हिस्टोरिकली 140 साल पहले जो 10 साल एज ऑफ कंसेंट होती थी वो भी अडल्ट ही हुआ करती थी उस जमाने की। अब यहाँ पे आप जब बिलियनर्स करते हैं शादियां तो कोई ऐप की बात नहीं, जब सेलिब्रिटीज करते हैं बिग एज गैप कोई ऐप की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपको ऐप दिख रहा है, तो मैं आपसे वो रोल मॉडल हैं सर जी, वो रोल मॉडल हैं, मैं बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर जी, वो रोल मॉडल हैं, 52 साल में 9 साल से शादी करना ये रोल मॉडल का काम थोड़े होता है। आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल थे, और जो पर्सन को उन्होंने साथ में रखा वो इतना बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। सर क्या कंट्रीब्यूशन किया, अपनी 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 बेटी जैसी बहू से शादी किया, क्या कंट्रीब्यूशन किया सर? भाई आप वन एक मिनट, आप इसको अरे भाई आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहे थे, आपसे आंसर किया जा रहा था, ये अच्छी चीज नहीं है, गुफ्तगू का तरीका नहीं होता, ठीक है? अगर इधर उधर फुदक फुदक के जाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं होगा। सर हम नबी जी पे ही हम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं, नबी जी ही पर, लेकिन उन्होंने रोल मॉडल बोला, उन्होंने रोल मॉडल बोला, तो मैंने मेरे दो पॉइंट्स हैं कि उन्होंने जो शादी की। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं, अभी मैं जो आपने बात की सिर्फ उसमें ये आपसे वेरी जी जी सर सब जी, यहाँ पे जो है ना आपको मैं गोल्डन बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ कन्वर्सेशन में रहेंगे ना तो मैं आपके पास भी वो बात ओपन अप होगी आपके माइंड में भी शायद। आज आपको पता है मेन रीजन क्या है, आज मेन रीजन क्यों छोटी बच्ची से शादी को हम लोग गलत समझते हैं, आपको पता है मेन रीजन, जरा सोच के बताओ, चलो मेन रीजन क्या है हम लोग क्यों गलत समझते, बताओ एज गैप ज्यादा हो हम लोग उसे बुरा क्यों समझते, बोलो सर जी। अच्छा मेरा आंसर आप ले लीजिए, जवाब मेरा आंसर आप ले लीजिए,
हर इंसान का ना चार फेज होता है लाइफ का, एक होता है बाल्यावस्था। चार फेज, दो मिनट बाद बताओ। अरे सर एक सेकंड सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए सर जी, आप सुन तो लीजिए, आप सुने कि आपने मेरे से सवाल किया, आप सुन तो लें, सवाल का जवाब होना चाहिए। सवाल का जवाब भी मैं दे रहा हूँ, क्यों क्यों गलत माना जाता है उसी को, सर जी क्यों क्यों गलत माना जाता है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि हर आदमी का चार फेज होता है। एक होता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मतलब जब उसको बचपन में प्यार मिलता है, बच्चा खेलता कूदता है। दूसरा अवस्था होता है, वो होता है युवावस्था, जब बंदा जो है सो शादी करता है, बच्चे पैदा करता है। थर्ड होता है प्रौढ़ावस्था, उस समय में खेती गृहस्थी अपने बच्चों को पालना सब करता है। और वृद्धावस्था जब आदमी मरता है, ये चार अवस्था होता है। इसीलिए किसी भी बाल्यावस्था की लड़की से शादी करना गुनाह है। ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो है ना आपका क्लोज माइंड है, क्लोज माइंड है। इस्लाम कहता है कि कोई गुनाह नहीं, ये सारी चीजें जो है ना ब्रेक करने के लिए इस्लाम आया है। हम लोग शादी को बुरी नजर से देखते भी नहीं है, जैसे आप जैसे बुरी नजर से आप तौर पे शर्मिंदा होकर देखते हैं कि भाई शादी करना पाप का जैसे काम है वैसा, तो नहीं। इस्लाम बताता है कि नहीं, बीवी के साथ रिलेशंस करना भी एक ऐसी चीज है, आपको सवाब मिलता है, आप गंदी गलत चीज करो, नाजायज ताल्लुकात करो, वो गंदा है। तो यहाँ पे ये थॉट को ब्रेक करता है सर, ऐसा कोई नहीं सोचता जो अभी आपने बोल दिया, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता। ऐसे सोचते हैं, इसीलिए लोग ये समझते हैं कि ज्यादा आपको धार्मिक बनना है तो आपको दुनिया को छोड़ना होगा, संन्यास जैसा लेना होगा, ऐसे लोगों की सोच है। मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, इस्लाम ये सब थॉट्स को ब्रेक करता है। हमारे प्रॉफिट ने शादी की और कहा कि जो शादी नहीं करता है क्योंकि अब छोटी बच्ची है, बड़े आदमी से शादी हुई, बड़े आदमी का इंतकाल हो जाएगा, फिर वो क्या होगी, विडो होगी, विडो की जिंदगी गुजारी है ना, तो ये बुरी बात समझी जाती है। लेकिन इस्लाम ने जो सिस्टम बताया ना, अगर आप वो सिस्टम को देखेंगे ना, आपको मैं 3-2 मिसालें देता हूँ। फातिमा बिन्त कैस रदिलाना सहाबिया, उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दिया, उनकी इद्दत वेटिंग पीरियड खत्म हुआ, उनके सामने 3 प्रपोजल है, वो ये सोच रहे हैं कि इनसे करूं शादी, इनसे करूं, इनसे करूं। जाफर रदिलाना जंग में शहीद हुए, उनकी उनकी विडो अस्मा रदिलाना, वेटिंग पीरियड खत्म हुआ, उनके सामने प्रपोजल है, वो सोच रही है मैं इनसे शादी करूं, इनसे शादी करूं। ये आपको कोई भी एक फादर नहीं मिलेगा जो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है। वो सर एक एक बंदा 4 से करेगा तो यही होगा ना। देखो वो जो 4 वाला टॉपिक है ना, वो बात नहीं, एक सेकंड जैद सर, ये जो बीच में तुम लोग बोल रहे हो ना, देखो प्लीज आप बीच में ना बोले यार, इसे बात हो रही है ना। जैद साहब अगर आप हमको एक मिनट का मौका दे तो हम भी बोले। जैद साहब सोसाइटी जो है ना, जो इस्लाम ने सोसाइटी बताया है, वो सोसाइटी में ना किसी को अकेले रहने का प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा है कि अकेली रहेगी नहीं, उल्टा डिमांड होता है, उल्टा औरतों को मेहर मिलता है, डाउरी नहीं देनी पड़ती। इस्लामिक सोसाइटी जो होती है ना, डाउरी नहीं देनी पड़ती। अब यहाँ पे हमारे पास आज इस्लामिक सोसाइटी नहीं है, तो जब नहीं है तो कोई कंपलसरी थोड़ी है कि आप बड़े एज गैप वाले से शादी कराओ। कंपलसरी है क्या? कहीं कंपलसरी नहीं। आपने एग्री किया सर? मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। अच्छा बोलो, कौन सी कंट्री के लॉ के अंदर इलीगल है बताओ? ज्यादा एज गैप वालों की शादी नहीं हो सकती, कंट्री में इलीगल है। आप बताओ मेडिकली क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ उसमें कौन से एंगल से प्रॉब्लम है, आप बता नहीं सकते। सिर्फ माइंडसेट का प्रॉब्लम है, और माइंडसेट का है ना, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो लास्ट में एटलीस्ट आप इतना बोलो कि मैं नहीं समझ सकता हूँ, मैं अपना व्यू फॉलो करता हूँ, लेकिन सामने वाले व्यू पे उंगली उठाने का भी आपको राइट नहीं है। नहीं नहीं, आप सर मैं अपना व्यू सर मैं आपकी व्यू की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मानते मानो सर रोल मॉडल है, उन्होंने ब्रेक किया लोगों को, बैरियर से ब्रेक किया। ये सब जो बैरियर्स बना के रखे ना, इतनी एज सी शादी होगी वगैरह, उन्होंने बताया सेम एज भी हो सकती है, अच्छी बात है, और कम उम्र के अंदर कोई बड़ा बेनिफिट है। जैसे मोहम्मद सलाम जैसा, आज जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप तो अपनी बच्ची की शादी कराओगे, मोहम्मद सलाम जैसा कोई हस्बैंड मिल जाए तो क्या कराओगे? ऑफ कोर्स कराऊंगा, लेकिन बच्ची बालिग होनी चाहिए, नंबर वन। अच्छा जैद साहब एक बात बताइए, जैद साहब सवाल का जवाब दे रहा हूं, बच्ची मेरी बालिग हो, फिजिकली केपेबल हो, ज़हनी तौर पे तैयार हो, कंसेंट दे रही हो, मेरी कंसेंट हो, और मोहम्मद सलाम जैसा नेक रिश्ता हो, तो ऑफ कोर्स कराऊंगा। और सिर्फ मैं नहीं, खुशी की बात होगी हमारे लिए। और ये बात है कि हम चाहते हैं कि आप जरा अपने माइंड को ओपन करें, और अगर बहुत ही कम उम्र में सारी कंडीशंस मेट हो गई फिर क्या? समझ में आया, आई होप यू विल थिंक अबाउट इट। हां चलिए, मैं मेरा वक्त ज्यादा हो गया है तो इजाजत लूंगा, फिर कभी मुलाकात करेंगे आगे। जी बिल्कुल, ठीक है। जैद साहब थैंक यू, जैद साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जरूर सोचिएगा, थैंक यू वेरी मच, इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। जैद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटिंग अस। ऐसा नहीं कि
ऐसा नहीं कि सर सर इस्लाम में सब कुछ खराब ही है, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी है। जैसे मैं चाहता हूँ आपको जो भी खराब समझते हैं जाति आज माइनस करो कि आयशा की एज ऑफ मैरिज और ये एज डिफरेंस, ये चीज माइनस करो, बाकी हम एक बात करते रहेंगे आप लोग। बाकी सर अपने बहू से शादी करना, लॉन्डिया रखना, 11 शादी करना, दरखास्त करूंगा थोड़ा म्यूट रखें। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जय सब। ओके वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।